अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। उम्मीद है आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ शान और आप देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। बार बार दोस्तों मुझसे पूछा जा रहा है कि कृषि सीजन कब शुरू होगा पंजाब में खास तौर पर। दूसरा ये कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, हर जगह पर यही कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि यार कृषि सीजन का आगाज पंजाब में कब होगा, जबकि सिंध में तो कृषि सीजन शुरू हो चुका है। दोस्तों जो हुकूमत ने ऐलान किया है गन्ने के रेट का, उसमें अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि सख्ती से 20 तारीख को शुगर मिलें कृषि सीजन का आगाज करेंगी और पाबंद हैं। अगर जो ऐसा नहीं करेंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये बात उस वक्त कही गई थी जब ये गन्ने का रेट जो है अनाउंस किया जा रहा था। पर दोस्तों तमाम शुगर मिल वाले जो पंजाब के हैं, ये काफी मतलब ताकत रखते हैं, कुवत रखते हैं, पावर रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी कर जाते हैं। वरना इनकी क्या मजाल के ये ऐसा किसानों के साथ करें और वक्त पर क्रेशिंग सीजन ना करें। बस दोस्तों ज्यादा पैसा आ जाने की वजह से अब ये किसानों को जलील ख्वार करते रहते हैं और अपनी पावर दिखाते रहते हैं। अब दोस्तों क्रेशिंग सीजन पर जो अपडेट आई है, पंजाब की जितनी भी शुगर मिले हैं लगभग वो कह रही हैं कि हम 20 तारीख तक क्रेशिंग सीजन का आगाज कर देंगे, और कुछ की अपडेट आई है कि वो 15 के बाद भी क्रेशिंग सीजन का आगाज कर देंगे। बहरहाल जो अहम अपडेट आई है वो ये आई है कि इसी यानी जुम्मा जो आ रहा है, इससे पहले या इस जुम्मा तक जो है काफी सारी शुगर मिले क्रेशिंग सीजन का आगाज कर देंगी पंजाब की। और खास तौर पर जैसे JDW वगैरह है, इतिहाद है, हमजा शुगर मिल भी साथ क्रेशिंग का आगाज कर दे तो बड़ी बात है। मगर दोस्तों ये अपडेट सिर्फ दी गई है सर्कल वालों की तरफ से, बाकी कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं आई। जिस तरह लास्ट टाइम बयान आया था जहांगीर तरीन का, वो भी मैंने बताया पर उसमें भी कुछ नहीं आई। बाकी जो शुगर मिल वाले भी बातें करते हैं तो वो 20 तारीख तक क्रेशिंग सीजन के आगाज की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गन्ने का रेट जो मुकर्रर हो गया है तो जल्द से जल्द क्रेशिंग सीजन यानी 20 तारीख से पहले भी कर दें तो कोई बात नहीं। तो मेरा मकसद था आप सबको उसकी अपडेट देना जो आप सब पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यार बार बार जो पूछ रहे हैं एक एक को करके क्या बताना, सबको एक ही बार में बता देते हैं, बाद में कोई ना पूछे कि यार क्या मसला है। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।